दिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। कर्नाटक में कावेरी विवाद के को लेकर, पानी बंटवारे को लेकर हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों ने 20 से ज्यादा बसों को आके हवाले कर दिया है। केपीएन बस डिपो में खड़ी बसों को आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला है। भीषण आग से 20 लोगों की बसें जलकर खाक हो गई हैं। इस डिपो में खड़े कुल 56 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। आग पर काबू करने की कोशिशें तेज हैं। तमिलनाडु को पानी दिए जाने के विरोध में कर्नाटक में पिछले कई दिनों से इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। जानमान के नुकसान की खबरें आ रही हैं। ये आउटर एरियाज में और ज्यादा चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। बस ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य जरिया और पूरे डिपो में ही बसों में आग लगा दी ताकि ये बसें कर्नाटक से तमिलनाडु की ओर जाएं भी ना। इस तरीके का ये हिंसक प्रदर्शन हुआ है। ये बेंगलुरु की थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। निश्चित तौर पर परिजन सबसे ज्यादा परेशान हैं, जिनके अपने बेंगलुरु आईटी हब है, वहां पर काम करते हैं, सब एक फोन कॉल कर रहे हैं। कहीं पर नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, हिंसक प्रदर्शन लगातार चल रहा है। ये डिपो बस को इसलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि बसों को रोज टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि यही बसें कर्नाटक से तमिलनाडु जाती है, इसलिए इस डिपो को टारगेट किया गया और भीषण आग लगा दी गई है जिस पर काबू पाने की कोशिशें तेज हैं। जाहिर तौर पर जनहानि यहाँ पर हुई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। कावेरी नदी के इश्यू को लेकर बिगड़े हालात की जानकारी लिए। राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता से बात की और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद के आश्वासन की भी बात की है। लगातार आप देखिए किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी कम पड़ गए हैं उपद्रवियों को काबू करने के लिए। इस बीच राजनेताओं से उम्मीद है कि इस मसले को सुलझाएं। लंबित मसला है, 1924 से ये पूरा मसला सामने निकल कर आया, जिसकी कह सकते हैं भरपाई यहाँ आम आदमी कर रहा है, क्योंकि राजनेता अपना काम कर देते हैं, सूझबूझ का इस्तेमाल होता नहीं है, जिसके कारण इस तरीके की बातें सामने निकल कर आ जाती हैं और दिक्कतें होती घर से निकलने में भी। बेंगलुरु में बिगड़े हालात को देखते हुए आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय। हालात निपटना जरूरी है, हालात से निपटना है, इसलिए जगह जगह सड़कों पर सुरक्षा बलों को डिप्लॉय किया गया है। बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों ने बस डिपो में आग लगा दी, तो वहीं हालात को काबू करने के लिए सुरक्षा बल भी कम पड़ रहे हैं। कावेरी जल बंटवारे को लेकर आज बेंगलुरु में हुए बवाल के बाद कर्नाटक के सीएम ने कल सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। इसमें जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा होगी। सीआरपीएफ, आरपीएफ, आरएएफ की 10 कंपनियां कर्नाटक भेज दी जा चुकी है, जबकि कर्नाटक के गृह मंत्री ने केंद्र से 10 कंपनियों की मांग की। आगजनी तोड़फोड़ को देखते हुए पांडवपुरा में धारा 144 लागू कर दी गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वरा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। डेफिनेटली अपील टू सुपरवाइजरी कमिटी, वी विल अपील टू द सुप्रीम कोर्ट वंस अगेन, बट आई ओनली अपील टू पीपल इन कर्नाटका, पीपल इन तमिलनाडु टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। ये तस्वीरें हैं कावेरी के जल बंटवारे को लेकर दो राज्यों के बीच भड़की आग की। कावेरी के जल के बंटवारे के विरोध में हफ्ते भर से चल रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। सोमवार को कर्नाटक में कन्नड़ संगठनों ने जबरदस्त बवाल किया है। सीएम सिद्धारमैया की शांति की अपील को दरकिनार करके बेंगलुरु में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु नंबर की गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया। सड़कों पर ट्रकों से शीशे तोड़ दिए गए, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार हुए ट्रक धू धू करके जलते रहे, लेकिन आग बुझाने वाला कोई नहीं आया। बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने दुकानों को भी निशाना बनाया। दुकानों पर पथराव हुआ है, दर्जनों दुकानों और शोरूम के शीशे तोड़ दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों से पार पाने के लिए एंटी राइट पुलिस को तैनात किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी, प्रदर्शनकारियों को ढूंढ ढूंढ कर लाठी चार्ज किया गया।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक को हल्की राहत। कोर्ट ने 5 सितंबर के अपने फैसले में संशोधन करते हुए कहा है कि तमिलनाडु के लिए कर्नाटक कावेरी विवाद से 15,000 क्यूसेक की जगह 12,000 क्यूसेक पानी ही छोड़े। कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उसे 15,000 क्यूसेक की जगह 1,000 क्यूसेक ही पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए, जिसे अदालत ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने का निर्देश दिया था। प्रदर्शनकारियों को लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रदर्शनकारी तमिलनाडु को पानी देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। वहीं कर्नाटक की हिंसा का असर तमिलनाडु में दिखाई दिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कर्नाटक से आई बस के ड्राइवर की पिटाई की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और ड्राइवर की पिटाई की। साफ है कि कावेरी के पानी को लेकर कर्नाटक तमिलनाडु एक बार फिर आमने सामने है, लेकिन जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं वो चिंताजनक है। अगर वक्त रहते ही सही कदम नहीं उठाए गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हालात फिर बेकाबू हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आ रही है। ग्रेनेड हमले में एक स्थानीय निवासी की मौत हो गई है, इसमें 10 बाकी लोग घायल हैं। इसमें 4 पुलिस वाले और 6 स्थानीय निवासी शामिल हैं। शेरबाग पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमला हुआ है, घायलों में 8 लोगों को श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने में जुटे हैं। पुंछ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच पिछले 38 घंटों से मुठभेड़ जारी है। कल से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 4 आतंकियों को मार गिराया है। इस हमले में कल शहीद हुए पुलिसकर्मी का आज अंतिम संस्कार किया गया। अल्लापीर इलाके के मिनी सचिवालय के निर्माणाधीन इमारत में कुछ और आतंकी छिपे। कल 3 आतंकियों को मार गिराया था। अलग अलग जगहों पर घुसपैठ की तीनों कोशिशें नाकाम हुई हैं। यहाँ कल से जो है उग्रवादियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है और अभी सूचना में ये मिली है कि 4 जो उग्रवादी हैं उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है और अभी भी जो है ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, इन प्रोग्रेस है। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के जो टॉप फ्लोर में है जो एनकाउंटर चल रहा है और इन चीज़ों को टाइम लगता है और हमें उम्मीद है कि हम इसको भी न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। अभी 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, उनके डेड बॉडीज रिट्रीव किया गया है। हमारा अंदाज़ा है 2 और भी मारे गए बट उनकी डेड बॉडी नहीं मिले हैं। हो सकता है 1-2 मिलिटेंट अभी जिंदा है, अंदर ऑपरेशन अभी चल रहा है। 15 अगस्त को दरअसल श्रीनगर के नौहट्टा में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ के कमांडर प्रमोद कुमार शहीद हो गए थे। 8 अगस्त को कुपवाड़ा जिले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 1 आतंकी मारा गया था। 30 जुलाई को कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में 2 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि 2 आतंकी मारे गए थे। 25 जून को पुलवामा के पंपौर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हुए। 3 जून को अनंतनाग में सेना के काफिले पर हमले में 3 जवान शहीद हुए, जबकि 5 घायल हुए। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोआ को वहीं राष्ट्रपति ने पद से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार बहाल किए जाने के कुछ ही महीने बाद राजखोआ के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मेघालय के राज्यपाल को अरुणाचल प्रदेश की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है। इससे पहले राजखोआ ने दावा किया है कि केंद्र ने उन्हें खराब स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा देने को कहा है, हालांकि उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया था और कहा था कि राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें बर्खास्त कर दे। कुछ दिनों पहले ही राजखोआ ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति मुझे बर्खास्त करे, मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा, नहीं दूंगा। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल राज्य में कांग्रेस की सरकार को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य से 15 दिसंबर 2015 वाली स्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर को विधानसभा बुलाने का अधिकार नहीं था, ये गैरकानूनी था। 26 जनवरी को राज्यपाल की सिफारिश पर अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। अब इसके बाद कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जिसने राज्यपाल पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस की सरकार को बहाल कर दिया था। आगे बढ़ते हैं खबरों में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसटी काउंसिल बनाने की मंजूरी दे दी है। जीएसटी काउंसिल जीएसटी रेट, इससे मिलने वाली छूट, थ्रेशोल्ड लिमिट का फैसला करेगा। जीएसटी काउंसिल
अध्यक्ष इसके हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। इसमें 29 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होंगे। जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए 11 नवंबर तक का समय है। जीएसटी काउंसिल बनाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। वित्त मंत्री ने 22 और 23 सितंबर को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक बुलाई है। कैबिनेट ने जीएसटी सचिवालय बनाने को मंजूरी दी है, जो दिल्ली में बनेगा। आपको ये बता दें कि पिछले हफ्ते ही जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। सरकार ने 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा था। टुडे ऑफ कोर्स नॉट इन द यूनियन कैबिनेट बट सेपरेटली द फाइनेंस मिनिस्टर हैज डिसाइडेड टू कॉल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल ऑन 22nd एंड 23rd फॉर 2 डेज। The first meeting of 22nd and 23rd of September. So, as it looks so far, we are ahead of the time schedule. और अब खबर आ रही है रियो में चल रहे पैरालंपिक्स से जुड़ी, जिसमें देश को एक और मेडल मिला है। भारतीय एथलीट दीपा मलिक ने पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। दीपा मलिक ने शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दीपा मलिक को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी है ट्वीट करके। इससे पहले पैरालंपिक में भारत पर एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज जीत चुका है। दोनों मेडल हाई जंप स्पर्धा में मिले गए।